लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रिक्शा चलोगे? कहाँ चलना है? सैंथम। बस स्टैंड है क्या? नहीं, ऑफिसर्स कॉलोनी। 40 रुपए लगेंगे। बहुत ज्यादा है। अरे रोड पर पानी भरा हुआ है, कोई ऑटो नहीं जाएगा, मुझे ही चलना पड़ेगा। अरे बारिश के वक्त यहाँ मुझे ठंड लग रही है, मैं चल नहीं पाऊंगी। जितने मांगता है दे दीजिए ना। ठीक है चलो चलते हैं। बारिश का फायदा उठा रहे हो क्या सर? इतनी बारिश में बहस कर रहे हो, जल्दी से बैठ जाइए। ठीक है ठीक है, चलिए जल्दी करिए, आइए चलो आ जाओ। हाँ चलो। कोई फूल की दुकान नजर आए तो रोकिएगा। टोकरी के साथ लेंगे तो लगेज लगेगा, गिनकर ले लीजिए। बापू जी, माँ कैसे हैं आप लोग? माँ बाप को भूली तो नहीं ना? अंदर आइए। बैठिए। कैसी हो गीता? इस बारिश में बस मिलने आना बहुत मुश्किल है ना? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। बच्चा लड़की है ना? वैसे क्या बात है, यहाँ किसी फंक्शन में आए हैं क्या? अरे बच्चे का नाम क्या रखा है? आने से पहले खबर क्यों नहीं की? ए, हम अचानक आए इसीलिए पूछ रही है। चाय पीजिए। ये सब किस लिए? कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो साफ साफ कह दो। इस तरह गैरों की तरह क्यों बर्ताव कर रही हो हमसे, बताओ? राजी, अब क्या है जी, खुद तो बड़े लोगों जैसा बर्ताव कर रही है, माँ बाप की इज्जत तक नहीं करती है। गुस्सा मत होइए माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरे ऐसे बात करने की वजह बाबूजी की जिद है। अरे हम सब कुछ भूल कर तुम्हारा घर तलाशते हुए आए ना? नहीं माँ, आपने हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं किया, हमारी शादी को भी कबूल नहीं किया, इस वजह से वो आपको पसंद नहीं करते हैं। मेरे सास ससुर ने हमारी शादी को कबूल कर लिया, इसलिए हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। अब मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, बस इतना ही काफी है। इसलिए आइंदा आप लोग यहाँ ना आए तो ही अच्छा होगा। नहीं आएंगे बेटी, हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? चलो चलते हैं। अरे वो हमारी राजी। गीता, हमारे जाने के बाद इस फूल को फेंक देना। राजी कुछ खाओगी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, भगवान ने हमारे साथ, अब कौन है हमारा यहाँ? भगवान पर यकीन है ना? देखना जरूर हमारे लिए कोई आएगा। अकल नहीं है क्या? नहीं है, चल निकल। Thank you.
माँ जी कुछ तो भीख दीजिए माँ जी। मालिक मालिक कुछ भिक्षा दे दो मालिक। ऐसा करेगी मैंने कभी सोचा नहीं था। राजी अब रोना बंद करो। आखिर वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती है मालिक। भूल जाओ कि हमारी कोई बेटी भी है। ऐसे कैसे रहेंगे हम? आदत डाल लो। माँ जी थोड़ा भिक्षा दे दो माँ जी। क्या हुआ बेटी? माँ जी तुम जाओ। तुम्हारे साथ में कोई नहीं है क्या? कहाँ जाना है तुम्हें? घर छोड़कर भाग कर आई हो? नहीं मुझे सबने मारा था, मुझे वो लोग पसंद नहीं आए इसलिए वहां से बचकर निकल आई। देखो सो रहा है कैसे। टिकट बोलिए सर। 3 ऊटी। क्या हुआ बेटी बताओ ना। बताऊंगी तो आप लोग यहीं उतार देंगे, मैं नहीं बताऊंगी। तुम्हारा नाम क्या है? अमरावती। रोटी है खा लो। अच्छी है ना? नाम क्या बताया था तुमने? अरे अमरावती बताया था ना। अमरावती। घर में झगड़ा करके आई हो? पिताजी ने मारा? तो माँ ने? नहीं। तो भाग कर क्यों आई? अब इसे जरा खाना खाने देंगे। तुम्हारे माँ पिताजी कौन है बेटी? नहीं पता। कोई नहीं है क्या? हेलो 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 चार्ली हियर। सर हमने यहाँ चारों तरफ तलाश करके देख लिया सर, उस लड़की के मुताबिक कोई जानकारी नहीं मिली। What? यही बताने के लिए फोन किया था तुमने? नहीं सर वो क्या है कि सॉरी सर। बेवकूफी की बातें मत करो मुझसे। सॉरी सर। लड़की चेन्नई से बाहर नहीं जानी चाहिए, उसे हर हाल में ढूंढ के निकालो। बस स्टैंड रेलवे स्टेशन हर जगह अपने आदमी को लगा दिया है सर। गो गो व्हाटएवर यू वांट। मुझे वो लड़की चाहिए, हम उस लड़की की तलाश कर रहे हैं, ये बात पुलिस को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ओके ओके सर। बेटर अंडरस्टैंड? यस सर। Thank you.
तुम्हें तो हर हाल में ढूंढूंगा। क्या हुआ बे? कुछ नहीं सर, आपके सर पर इतने काले खूबसूरत घने बाल हैं, उन्हें कैसे काटूं यही सोच रहा हूं। चल काट। ठीक है सर, इंसान कितना खुदगर्ज होता है, बाल बढ़ जाए तो काटता है, नाखून बढ़ जाए तो काटता है, लेकिन इंसान बढ़ जाए तो काटता है क्या? इसलिए ये आंटी अमेरिकन विलेन बिल्कुल सही कहती है। चल काट। अंकल, आज मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहा हूँ। नहीं। अरे सबको आने के लिए कह दिया है। कोई बात नहीं, एक दिन और देख लेंगे। प्लीज अंकल। मैंने कह दिया ना नहीं जाओगे। छह, अगर इस तरह घर में कैद करके रखेंगे तो सच में पागल हो जाऊंगा मैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। हिलिए मत। इडियट। सर, बाल काटना मूर्ति तराशने जैसा है। जब मूर्तिकार तराशने का काम कर रहा हो और पत्थर हिल जाए तो कैसा लगेगा? मैं आपको पत्थर नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को एक अच्छा मूर्तिकार बोल रहा हूँ। पहले इसके पैसे अदा करके इसे दफा करो। सर, वो स्टेट के कारोबार के मुताबिक पहले उस जमीन का सौदा तो हो जाने दो। जी सर। सोच रहा हूँ उससे पहले कोई दूसरा सौदा नहीं करना है। अर्जुन, क्या बात है जो सोफे के साथ अकेले खेल रहे हो? आज फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बाहर, वही परमिशन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज तुम्हारे माँ बाप अमेरिका से फोन करेंगे, गांव में भटकने से अच्छा है फोन अटेंड करो। अर्जुन, अर्जुन, ओह क्या है? पैर तो दिखाई दे गया लेकिन चेहरा नहीं दिखाई दिया तो डर गया। अरे बताओ ना यार। आकाशवाणी की खबरें, आज ऊटी के इलाके में मौसम में कुछ तब्दीली आने की वजह से अर्जुन के मामा ठंड के इस राज्य से पश्चिम की तरफ जाएंगे और अपनी माशूका के घर में जाकर थम जाएंगे, ऐसी खबर मेरी जुबान दे रही है जो बिल्कुल कैंची की तरह चलती है। उसके लिए अर्जुन और उसके दोस्त लोग सिर्फ आज की रात मजा, बहुत मजा कर सकते हैं। अरे अरे क्या हुआ?
हाथ दिखाओ। अरे दिखाओ तो। क्या हुआ? दिखा, मुझे दिखा। देखने दो मुझे। अनजाने में लग गया। अरे बाप रे। राजी। तीन दिनों से जो हमारे साथ है तुम उसकी तकलीफ सह नहीं पा रही हो, तो जिन्होंने पैदा किया वो इससे अलग होकर कैसे रह पाएंगे? हम बहुत गलत कर रहे हैं राजी। उस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, हम पुलिस में खबर करेंगे। ऐसा मत कीजिए। खुद को संभालो तुम, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। बाबा, कॉफी पीकर चाहिए बाबा। माँ ने आपको ऐसा कहने के लिए कहा है। तुमने पहले किसी को ऐसा कहा है? किसी को भी नहीं। क्या हुआ, अब नहीं जाना? नहीं, कोई भी इसकी तलाश में ना आए। सब्जी ले लो, सब्जी सब्जी। ताजी सब्जी है, आइए आइए। सब्जी आइए बहन जी, आइए 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 बहन जी। ये कितने का है? 40 रुपए किलो। अरे इतना महंगा। सोने की दुकान में, साड़ी की दुकान में जाएंगे तो बहस नहीं करेंगी आप। यहाँ सब्जी की दुकान में आप बहस कर रही हैं। अरे देख कर बहस कीजिए, ऐसी भाजी कहीं मिलती है क्या? इसको खाने से ताकत आती है, अच्छी भाजी है बहन जी। देने का भाव बताओ। चलो 10 रुपए का। सब ताजा है मैडम। अरे बहन जी कहाँ जा रही है? अरे बाहर है ना। देखिए देखिए, आज लगता है दिन ही खराब है। देखिए ना मैडम, टाइम कितना हुआ? ठहरो बताती हूँ। हेलो हेलो, मुझे बुलाया तुमने? भाई साहब वो बुला रही है। मैं आऊं? कितनी खूबसूरत लड़की मुझे बुला रही है, लगता है मेरा टाइम पलट गया। क्या है? ये कुछ पूछ रहे हैं आपसे। ए क्या क्या पूछा उससे? टाइम पूछा और क्या? टाइम? अरे अकल नहीं क्या तुम्हें? टाइम पूछने के लिए किसी को बुलाते हैं क्या? पास वाले से पूछो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? बिना दिमाग के भाजी कैसे बेचूंगा? अरे दिमाग तुम्हारे पास नहीं है, चल भाग यहां से। हाय। अरे इस वक्त क्या बात, क्या है? अंकल किधर है? वो अपने कमरे में है। शादी में गया था ना तो गाड़ी पंक्चर हो गई थी, रास्ते में गुल्फी को देखा था इसलिए उसे रिकॉर्ड कर लिया। ये लो एंजॉय करो, चलता हूँ, गुड नाइट। अरे भाई अब तक 2 शेविंग 2 कटिंग करके आ गया होता, कपड़ों का बोझ उठाने वाले गधे के जैसा इधर बैठा के रखा है। अरे बैठे रहो, बको मत, अगर चाहो तो जा सकते हो।
अरे नायर जी इधर कैसे? अरे बस ऐसा ही, तुम लोग यहाँ पर हो? अरे संभालना, सर पर चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, जरा संभाल कर आना। अरे 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 मुझे बचाओ, अरे बचाओ, संभल के संभल के। अब जाकर सुकून मिला, बचाने के बदले में ये शुक्रिया। अरे गिर जाओगे। तुम सुनाओ। क्या सुनाओ, यहाँ फंस गया हूँ, यहाँ से जा भी नहीं सकता। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं अंदर की तकलीफ को कैसे कहूँ। जिंदगी का एक दिन भी पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दिन होते ही और शाम होते होते किसी न किसी के चक्कर में मार खा जाता हूँ। शायद तुम्हारा वक्त खराब है। हाँ, इसी वजह से मारा। मैंने कहा था ना। अरे चुप रहो ना, हमारी जिंदगी ऐसी है। मारो 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 उसे। अरे किसे? नहीं बस वो ऐसी ही कुछ बातें कर रहे हैं। अर्जुन तुम जाके उसे एक बार देख के आओ, मैं इन्हें लेके जाता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक्स यार। वाह, चोट लगी क्या? अगर मुझे पता होता कि आप ऊपर खड़े हैं तो मैं सीढ़ी नहीं हटाती, माफ करना। मेरे माँ बाबा को मत बताइएगा वरना वो मुझे डांटेंगे। यहीं रुकिए, मैं भी आती हूँ। ये लो पानी पी लो। ओह भूल गया था, थैंक यू। अभी मुझे चोट नहीं लगी। ओके ओके, सी यू। ए कौन हो और हमारे घर किस लिए आए थे? बाद में बताता हूँ। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? अरे चुप ना यार, छोड़ो, चुप ना जरा। क्या कर रहे हो? चुप। डॉक्टर इसे ना डॉगी ने काट लिया। कहाँ पर? ऊटी में। किस जगह पर? वो इसके घर के पास। सर इधर इधर सर इधर नहीं उधर। काटने वाला पालतू था या जंगली? ओ भगवान, ये तो मैं जानता नहीं। सड़क पे भटकने वाला डॉगी था। वो डॉगी मरना नहीं चाहिए वरना इसे रिस्क है। इसका मतलब ये आदमी मर जाएगा? चुप रहो यार, क्यों सब लोग इसे डरा रहे हो? वैसे काटा कैसे? डॉक्टर डॉगी को प्यार से पाल सकते, उसे छोड़कर कोई उसके दांत घिसता है क्या? वो भी ब्रश से। बहुत अच्छा डॉगी है डॉक्टर। डॉगी अच्छा है तो क्या उसके कपड़े धोने वाले ब्रश से दांत साफ करेंगे? कौन सा डॉगी खामोश रहेगा? पहले तुम लोग बाहर जाओ, मैं इस डॉगी को, अरे नहीं आदमी को इंजेक्शन लगाता हूँ। डॉक्टर डॉक्टर हम यहीं पर बैठे। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं आराम से इंजेक्शन लगाऊंगी। कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, नहीं कुछ नहीं होगा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, रुको, नहीं रुको, नहीं
मुझे नहीं लगाना। क्या हुआ डॉक्टर, इसे हर महीने इस तरह की तकलीफ होती है? मुझे नहीं पता डॉक्टर। इस लड़की की माँ है ना आप, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि लड़की अपनी माँ को सारी तकलीफें बताती है। कोई खास बात तो नहीं है, पीरियड के वक्त होने वाला कॉमन दर्द है ये। इंजेक्शन लगा दिया है, 2 घंटे में दर्द कम हो जाएगा, उसके बाद ले जा सकते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, क्या चाहिए? उस लड़की को क्या हुआ डॉक्टर? आप लोग कौन है? मैं उसका पड़ोसी हूँ, मैं ही उसे लेकर आया हूँ। कुछ नहीं हुआ है उसे। लगता है आप मजाक कर रही हैं। बेकार में थोड़ी ना वो लड़की इतनी दूर से रोते हुए आएगी। मैं मजाक कर रही हूँ। तो फिर क्या हुआ पूछा तो जवाब नहीं दोगी, आप डॉक्टर ही हो ना? ये लेडीज मैटर है। मतलब? अरे वो औरतों का मसला है। अच्छा, दिल में बीमारी है? यू नॉटी गाय, आर यू नॉट एजुकेटेड? आई थॉट यू आर एजुकेटेड। हमारे सवाल आपको समझ में नहीं आ रहे क्या? समझ रही हूँ, पर ये बात मर्दों की समझ में नहीं आएगी। मर्दों को समझे बिना औरतों का कुछ नहीं होगा, वो भी हम जैसे यंगस्टर्स को बताए बिना कुछ नहीं होगा। तो 2 घंटे बाद वो आंखें खोलेगी तो उसी से जाकर पूछ लेना। डॉक्टर और वकील को अपने क्लाइंट से झूठ नहीं बोलना चाहिए। जस्ट शट अप। अरे ये तो ऐसे नखरे कर रही थी जैसे इसके बारे में पूछो। जवान लड़की को घर पर रखना रिस्की है, ऊपर से वो नादान भी है। अब से हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे, अनजाने में हमने उसे तकलीफ पहुंचाई है, उसे जरा सा भी दर्द होता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई उसकी तलाश में यहाँ आया तो? ऐसा मत कहिए, कोई नहीं आएगा। वो लड़की कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? नहीं जानता हूँ। क्या चार्ली, इतने अच्छे से पूछ रहा हूँ, किधर है वो? मैं नहीं जानता। पैसा चाहिए? क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं बस लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। वो कहाँ है मैं नहीं जानता। मेरी बात सुनो चार्ली, उसे जल्दी से मेरे घर पहुँचा दो, वरना अगली बार तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। hey! वो मिल गई तो भी नहीं बताऊंगा, वो मेरी अमानत है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है वो, चाहे कुछ हो जाए उसे नहीं सौंपूंगा तुम्हें, नहीं नहीं। अर्जुन, शादी में आकर जाने की बात कर रहे हो, तुम्हारे मामा भी नहीं आए, कम से कम तुम तो रुक जाते। सॉरी यार, बहुत जरूरी काम है। मुझे काम नहीं कहो तो मैं रुक जाऊं। कम से कम खाना तो खा कर जाते। अरे नहीं यार प्लीज, चल देखते हैं क्या होता है। ओहो, आप आइए आइए। वाह वाह वाह, तुम्हारी जोड़ी कितनी खूबसूरत है, तुम्हारा भी सफेद लिबास, उसका भी सफेद लिबास, दोनों एक ही वक्त में उजाले में बदल गए, तुम और वो लड़की सफेद लिबास में, क्या कॉम्बिनेशन है। अब तो तुझे कोई काम नहीं होगा ना? ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़की से बात करेगा क्या? अरे कैसे बात करूं? अरे मुंह से बात कर, सामने मौजूद लड़की से फोन पे बात थोड़ी करेगा, सर पे मार के बात करोगे क्या? चुप करना, कुछ भी बकता है। उसे बुलाओ ना अर्जुन। कैसे बुलाऊं? बुलाओ ना। नाम नहीं पता, उस तरफ पलट कर खड़ी है वो, सीटी मार के बुलाएं। चुप कर, ऐसे कोई बुलाता है क्या? चर्च इतनी पाक जगह है, यहाँ सीटी बजाना गलत है। उस लड़की को बुलाना चाहते हो ना? मैं बुलाता हूँ, देखो। आ आ आ आ, 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 आ। वो लड़की तो तुझे देख रही है, जाके बात करना।
डर लग रहा है यार। अरे डर क्यों रहे हो, पहली बार शेविंग करोगे तो ब्लेड इधर उधर लगेगा ही ना, बिंदास जाकर बात करो। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। उस रोज आपके घर में वो साबुन के पानी में घर पे आपके ऊपर क्या बात है, यहाँ क्यों खड़े हो? अरे मिस कर दिया यार। भूल जाओ अभी, चर्च में इतना अच्छा मौका मिला था लेकिन गवा दिया। अब बोल रहे हो उस लड़की के घर जाना है, जाके क्या बात करोगे? अरे उसके पास जाने के बाद क्या बात करूं, मैं भूल गया था। अरे तू भी कैसा आदमी है, जब कोई इंसान कारोबार करता है तो कारोबार पर पूरा ध्यान देता है, मोहब्बत भी एक कारोबार जैसा है, उसमें भूल नहीं चलती है। भूलना इंसान की एक बीमारी है। अरे मुझे बात तो करने दे, कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बोला है। अरे उसने जो बोला उसे छोड़ो, हमें सुबह 7 बजे से साबुन लगाकर बिठाया है, अभी 2 घंटा हो गया और भी लोग बैठे हैं, और भूलने की बीमारी की बात कर। ये लो पकड़ो, किसी और को बुलाओ। चलो हम लोग चलते हैं। जाना है तो जाओ, शेविंग कराने वाला चेहरा भी नहीं है तेरा। सुबह सुबह ग्राहक आया था वो भी चला गया, आज पूरे दिन ऐसे ही घूमना, सारी दुकानें बंद है। क्यों बड़े, कॉल क्यों कर रहा था? मेहनत मेहनत बहुत मेहनत। अरे बड़े तू बात बदल रहा है, बोर मत कर। नहीं यार मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल। टाइम कितना हुआ? 9। अरे इसमें नहीं। अरे इसमें भी 9 है, हर जगह 9 है। तक मजाक करते अरे हो? किसी से भी पूछ, 9 ही बजाए। अरे क्या बात है, ये हाथ मार कर रहा है, कौन है ये आदमी? अरे क्या चाहिए तुम्हें? हाँ अंदर तो पूरा अंधेरा छाया हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुर्सी भी नहीं है। अच्छे से देखिए, कोई तो होगा। हाँ कोई तो है, मेरी तरह दिख रहा है। मानना पड़ेगा, पहचान लिया आदमी को। शेविंग करनी है, कर लो। जब से पैदा हुआ हूँ शेविंग नहीं की। पैदा होते ही मैंने शेविंग शुरू कर दी थी क्या? बात वो नहीं है सर, बड़े दिनों बाद मुलाजमत मिली है। किधर? रेलवे में। ये तो अच्छी बात है ना। अरे वो जो रिटायर्ड हो गया बालसुब्रमण्यम, उसके घर पे इलेक्ट्रीशियन। किसका घर बताया? गार्ड सुब्रमण्यम के घर। उन्होंने तुझे देखा है क्या? अच्छा बड़े सर की शेविंग कर दो। अंदर चलिए सर, जल्दी आइए। तुम्हारे दिमाग में कुछ आया क्या? दरवाजा बंद करो, ताला लगा दो। अंदर जाओ, अब ये दरवाजा मैं बंद कर देता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या हुआ, मंदिर में त्योहार है क्या जो सब साथ आए हो? नहीं सर, छोटे पिताजी ने भेजा है। ऐसी बात है? लेकिन वो है कौन? क्या सर आप उन्हें नहीं जानते? उन्हें नहीं जानते क्या? आप शायद भूल रहे हैं, मुझे जानते हैं। मैं तुम्हें ही नहीं जानता तो उन्हें कैसे जानूं? अरे नहीं सर, इलेक्ट्रिशियन के काम के लिए आपने कहा था ना, वही है इनके छोटे पिताजी। हाँ वही है। वो है कहाँ? कटिंग करते वक्त उनके हाथ में कैंची लग गई तो हॉस्पिटल में है, इसलिए हमें भेजा है। इतने लोगों को? नहीं सिर्फ यही इलेक्ट्रिशियन है, बाकी असिस्टेंट हैं। तुम क्या करते हो? कटिंग सर। हेयर कटिंग? नहीं, वायर कट करके ज्वाइंट करता है सर। आई सी। हीटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जितने भी नए पॉइंट है वो काम नहीं कर रहे हैं, छूने से शॉक भी लग रहा है, लगता है वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। अंदर आओ और चेक करो। अर्जुन तुम अंदर जाकर कमाल करो, बाहर सर को मैं कमाल दिखाता हूँ। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। इलेक्ट्रिशियन। अमरावती आती हूँ माँ। अमरावती, अच्छा नाम है। सर इस देश में जैसे 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं ना, वैसे ही 5 साल में एक बच्चा पैदा करना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए सर, तभी हमारे देश की माली हालत अच्छी हो पाएगी। सही कहा, लेकिन बीच में चुनाव आए तो? अरे सर बीच में सवाल मत कीजिए, कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। अरे बाप रे, अब क्या हुआ? बीच में चुनाव आ जाएगा तो सरकार के खजाने से बच्चे को गोद ले लेंगे। चली गई क्या? अरे अरे चली गई क्या, पूछ रहा हूं ना, बोल ना, बोलेगा क्या? ए सुन तो
मुझे चोट नहीं लगी, आई एम ओके, सॉरी। हाँ क्या बात है, जब देखो नीचे गिरते रहते हो तुम, हर बार तुम्हें पकड़ने के लिए मैं थोड़ी रहूंगी। पकड़ो ना, मेरे साथ चलोगी? चलोगी क्या? चलो निकलो। नहीं 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 नहीं, जो चाकू उठाता है वो चाकू से ही मरता, याद रखेगा सर। ऐसा सोचेंगे तो गांव में एक भी सलून नहीं बचेगा। अरे बड़े क्या हो गया, तुम लोग कौन हो पता चल गया? निकलो यहाँ से। चाकू, शेविंग, कटिंग उसी वक्त में समझ गया था, गेट आउट। क्या यार, सारा खेल बिगाड़ दिया तूने। अरे मार दिया सर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुतालिक एक बात बताइए सर। सुभाष चंद्र बोस, चलो भागो। ए, ए, चल चल अर्जुन, उसका बाप हमारी हजामत कर देगा, चल चल। अरे क्या यार, आज इतनी भीड़ है। ए वहां देख तेरी गुल्फी। हाँ चलो पूछना। एक्सक्यूज मी, दो टिकट खरीद कर दे सकती है? हम ये सब नहीं करते, चलो छोड़ना। ओके। तुम्हारी सहेली कितनी रहमदिल है, तुम बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ, शकीला है ना? इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लो। थैंक्स, शुक्रिया। मेरे लिए एक टिकट लेंगी क्या? नहीं नहीं लेंगी, दो लोग आएंगे तो ही पसंद करोगी, एक को नहीं पसंद करोगी क्या? लाइट मार के सबको सीट पर बिठा दिया ना, फिर क्यों लाइट मार रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो तुम? पिक्चर देखने दो। क्या बोला? क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहा? ये ले। है उठ रहे? यही लग रहा है भाई, यही है। इसकी हीरोगिरी दिखा रहा है इसको। मार। बहुत बुरी तरीके से बेटा, हमारी हालत खराब हो गई है भाई। गाड़ी निकालो, चलो। हाँ
मंदिर जाना है। ये कोई वक्त है क्या? औरत ने अगर कुछ सोचा है तो उसकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तुम जाके आओ। मुझे अकेले नहीं जाना है, हम दोनों साथ में जाएंगे, यही मेरी ख्वाहिश है। दिन में मैं नहीं आ सकता हूँ मालिनी। दिन में आपके साथ जाने का हक नहीं है ना? स्टेट के ओनर राजा गोपाल ने मुझे रखेल बनाकर रखा है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। मंगलसूत्र पहनाऊंगा तभी मेरी बीवी बनोगी क्या? मैंने अभी तक किसी से शादी नहीं की है, ऐसे में तुम ही तो मेरी बीवी हो। मैं भी यही सोचकर जी रही हूँ, लेकिन ये गांव वाले आप अमरीकी स्टाइल में जी रहे हैं, लेकिन मैं तो यही की हूं। अच्छा, सिर्फ मंदिर जाने की बात है ना, चलो चलते हैं। अरे कल से दो दिन तक अंकल गांव में नहीं रहेंगे। ठीक है, मेरे घर के नौकरों को भी छुट्टी है। उसके बाद मैं कहानी सुना रहा हूँ क्या? अरे क्या करना होगा? देखो, कल सुबह से लेकर शाम तक अमरावती मेरे साथ होनी चाहिए। ए, अमरावती कोई साइकिल है क्या जो पूरा दिन साथ में रहेगी? मजाक है क्या? आइडिया देना। ए, मुझे ये काम बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। इसके मामा के बारे में सोच के मेरी बाई आंख फड़कती है। इसके हाल को देख के ग्रेट अल्बर्ट विल स्मिथ ने जो कहा था वही मैं सोच रहा हूँ। वो क्या? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, उस रोज उसके साथ थिएटर में आई थी ना गुल्फी। गुल्फी? मेरी वाली? वो एक खूबसूरत लड़की है, उसे साइड में लेकर सेट करें तो? अरे क्या बोलता है तू भी? अगर बकरा डरा तो बलि, और अगर इंसान डर गया तो उसकी पैंट गीली। ए, मतलब की बात करो ना यार। ए, कल अमरावती तुम्हारे घर आएगी। अरे आ रही है, आ रही है। अरे आई है तो जाओ ना, पानी का इंतजाम करो। अरे ऐसी बात नहीं है, लड़की आ रही है। आई आई आई, शादी में केवल आप ही आई है। माँ बाप के साथ ही हो ये बोल रहा था मैं। आप आइए, आप आइए। ए, उठाना। अमरावती, ये शादी हम रिस्क लेकर कर रहे हैं, अर्जुन के दिल को सुकून मिले इसीलिए कर रहे हैं। न्यू दिल्ली सीबीआई ग्रुप में इस मामले को पता चले बिना जैसा मैं बोल रहा वैसा ही सुन लो। क्या है ये? खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रहे हो क्या? आइंदा से किसी के आगे मुंह मत खोलना। आप चलिए ना। चल शकीला। ए शकीला, शकीला। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उसके माँ बाप से झूठ बोलकर उसे यहाँ लेकर आई हूँ। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर गलत हो भी गया तो 4 महीने बाद ही पता चलेगा लड़का होगा या लड़की होगी, सोनोग्राफी से पता चल जाएगा। तेरा बोलना जरूरी है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम सबको अपने भाई समझ कर ही उसे यहाँ तक लेकर आई हूँ, मुझे फंसाना मत प्लीज। हम सब देखने में तुम्हें अपने भाई लग रहे हैं क्या? नहीं, आप तो मुझे बोलिए बोलिए मेरे छोटे भाई जैसे लगते हैं। कौन है घर में? हेलो, तुम हो? आपके लिए। किस लिए? पहली मर्तबा मेरे घर आने के लिए। शुक्रिया। तो मतलब यहाँ शादी? झूठ है, सब दोस्तों का नाटक था। शकीला 5 बजे आकर तुम्हें ले जाएगी। देखो, तुम्हारे माँ बाप से कह दूंगी। नहीं कह सकती हो, वो अमेरिका में रहते हैं। मैं तो यहाँ करेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ। ये घर ना एक कॉस्टली जेल है, मेरे मामा ही इसके ओनर है। कभी तो मेरी जिंदगी में प्यार से ख्याल रखने वाला कोई तो आएगा, इसी खुशी में मैं जी रहा हूँ। और वो ख्वाब तुम्हारे रूप में आज सच हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। अपनी आंखें बंद करके तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ घूम आया हूँ पता है? मैं तो तुम्हारे साथ कहीं नहीं गई। जानती हो, तुम मेरे साथ हाथ से हाथ मिलाकर चल रही हो। हम दोनों कितनी दूर चले गए ये तो हमको भी नहीं पता। ये सच करना है तुम्हारे साथ ही, इसे सच में बदलना है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां पर। सुन भाई, अर्जुन उड़ा उड़ा क्यों लग रहा है आजकल? अरे ये सब प्यार है,
अपने आप रोएंगे, अपने आप हंसेंगे, ये प्यार की बीमारी है। प्यार की बीमारी ए, रिपीट किया तो मारूंगा। फोटो तैयार है क्या? थोड़ी देर और सर, आधे घंटे से यही बोल रहे हो। अब ऐसा ही रहेगा, पाँच साल के बाद देखना, फोटो खिंचाने के लिए चेहरा भी नहीं बचेगा। सही का, ये सोचेगा कि शादी क्यों की। यस। अरे कागज क्यों चूम रहा है? अरे वो तो उड़ के चला गया। आप जाकर, तूने सही बोला है, इतने दिनों तक ऐसी बात बोलकर हमें परेशान कर रहा था। सुबह सुबह ही फोटो स्टूडियो चला गया था, दुकान खोलने से पहले ही। हाँ, बहुत देर इंतजार किया, फोटो को देखते क्या किया था पता है? देखा होगा। उसके बाद भी मैंने कुछ किया? कवर में डाला होगा। नहीं नहीं, उससे पहले। तो तुम खुद ही बता दो। क्या है हाथ में? कुछ भी नहीं। दिखाओ मुझे। उसकी वजह से इस खानदान का नाम पहले से ही खराब है। अब तुमने भी वही शुरू कर दिया। उससे मिलने में क्या बुराई है? क्यों नहीं मिले उससे? देखा ये कैसे बात कर रही है, उसी की तरह। मैं किसी की तरह नहीं हूँ। आप चुप रहिए। वो तुम्हारे साथ कैसा रिश्ता निभा रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन ये गांव वाले तुम दोनों को देखकर बातें करेंगे। हाँ करेंगे, मैंने भी तो देखा। उसके साथ रिश्ता रखने में मुझे कुछ गलत नहीं लगता। तुम कुछ नहीं जानती, ये गलत है, आइंदा ऐसा मत करना। ये मुझसे नहीं होगा, मैं अर्जुन से मिलूंगी। माफ करना, मैं कौन हूं मारने वाला? नहीं, अब तुम यहां नहीं रह सकती। उस दिन तुम जिस बस स्टैंड पे मिली थी, मैं तुम्हें वही छोड़ देता हूं। क्या हुआ अर्जुन? आइंदा से मुझसे मिलने मत आना, भूल जाओ मुझे, मैं भी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। उसका कोई नहीं है यही कहकर वो हमारे साथ आई थी। आप उसे यहां से निकाल देंगे तो वो कहां जाएगी? आपकी इसी जिद और बर्ताव की वजह से हमारी बेटी तो चली गई। सालों हम एक लड़की को प्यार से परवरिश करते हैं और अचानक कोई आकर उसका हिस्सेदार बन जाए, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से उसके प्यार को कबूल नहीं कर पा रहा हूं। यह ईगो है या खुदगर्जी है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन शायद ये एक बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार है। आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। 20 साल तक हमने जो परवरिश की उससे ज्यादा, उससे जो प्यार करता है वो ज्यादा अहमियत रखता है। अगर वो अपनी मर्जी से अपना प्यार चुनती है तो इसमें गलत ही क्या है बताइए। बाबा, मैंने अर्जुन से कह दिया कि मुझसे मिलने दोबारा ना आए, मैं भी उससे मिलने नहीं जाऊंगी। भले ही आप मुझे मारिए कोई बात नहीं, लेकिन बस स्टैंड पर छोड़ दूंगा ऐसा मत कहिए। अपनी बेटी से ऐसा कोई कहता है क्या? Thank you.
अर्जुन, अर्जुन तुम अब तक घर नहीं गए? तुमने बहुत आसानी से कह दिया कि मुझसे मिलो मत, मुझसे बात मत करो। नहीं, वो पापा, तुम्हारे पापा भले ही मुझे मारे या डांटे पर मुझे भूल जाओ ऐसा तुम कैसे भूल सकती हो? अरे मेरा कोई भी नहीं है अमरावती, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, भूल जाओ ऐसा मत बोलना, यह मुझसे नहीं होगा। अभी तलाश करने का कोई मतलब नहीं बनता सर, हमें फौरन कुछ करना होगा। थोड़े दिन देखते हैं, वो जरूर मिलेगी। वकील तो कोई जरूरी नहीं कि होशियारी होंगे, पहले से जमानत क्यों लेना, कोई मारा मारी का केस थोड़ी है। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, किसी को मालूम पड़े बिना ढूंढ निकालेंगे। तो हम क्या अभी चुप बैठे हैं क्या, आगे चल के पुलिस और मीडिया में भी जाना पड़ेगा? नहीं, फिर से परेशानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। कानूनी दांव पे देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, दो दिन और रुकूंगा, फिर अखबार में उसकी तस्वीर खुद जाके दूंगा मैं। अरे अरे, मुझे नहीं, मुझे नहीं। चल। कहाँ खींची थी है? आपके कमरे में। मेरे कमरे में? कौन है ये? खुद ही पता लगा लो। समझा नहीं? समझ लो, मैं क्या कर सकता हूँ? उस रात इसी से मिलने के लिए गए थे ना? जी हाँ। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो कहाँ गए थे? रास्कल! लुक, मेरे माँ बाप ने मुझे तुम्हारे पास गार्डियन के तौर पर छोड़ रखा है, इस तरह से हर बात पर मारने के लिए नहीं, माइंड इट। तुमसे एक बात कहनी है। क्या है? पहले ये रस्सी कूदना बंद करो। तुम कहो। तुम्हारी माँ ने मुझसे एक बात कही है। क्या? तुम पहले इसे बंद करो ना। मैं बंद नहीं करूंगी। वो अर्जुन के बारे में कह रही थी। हाँ? क्या क्या कह रही थी? अर्जुन और अमरावती की शादी के बारे में। वाह! वो तुम्हारे पापा से बात करेंगी। मैं बहुत खुश हूँ। चार्ली हियर। तुम सच में इसे प्यार करती हो क्या? आजकल की लड़कियों के प्यार पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़कियां पहले लड़के के साथ घूमती हैं, लेकिन जब घर वाले धमकाते हैं कि हमारे खिलाफ गई तो हम मर जाएंगे, तो प्यार पर कैंची चलाकर भाग जाती हैं। और बाद में वो लड़के हमारे सलून में आए बिना दाढ़ी बढ़ाकर घूमते हैं। बड़ा जो बोल रहा है उसमें पॉइंट है। अर्जुन का यहाँ प्यार और ख्याल रखने वाला शायद कोई नहीं।
चाहे कितने भी फ्रेंड्स साथ रहे, सबकी एक लिमिट होती है। लेकिन जिंदगी भर जो साथ रहती है वो एक लड़की है, और अर्जुन ने आपको चुना है, इसलिए अब से अर्जुन का आप ही सब कुछ हो। कल अर्जुन की सालगिरह है, हम सब मिलकर बहुत सारा मजा करेंगे। इस बार हम नहीं आने वाले हैं, आपको ही साथ रहना होगा। कल से अर्जुन की एक नई जिंदगी की शुरुआत है। इसका साथ में छोड़ना। तुम दोनों अलग मत होना। मेरे गुरु अयप्पा का आशीर्वाद तुम लोगों पर बना रहे, चलते हैं। अर्जुन किसी से नहीं मिलेगा, किसी को नहीं देखेगा, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? वो छोटा बच्चा नहीं है, आपकी बहन का बेटा है, कोई गुलाम नहीं। अर्जुन बहुत सारी जायदाद का मालिक है, इसलिए उसके माँ बाप अमेरिका में बैठ के उसके लिए कंप्यूटर पे लड़की देख रहे हैं। अमेरिका में जाके सेटल होने के लिए उसका पासपोर्ट, वीजा सब कुछ रेडी है। अर्जुन को आपने मशीन समझ रखा है, आखिरकार उसके पास भी तो एक दिल है ना। हो सकता है, पर मेरी जानकारी के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। जिस तरह उसकी जायदाद को मैंने हिफाजत से रखा है, उसी तरह उसकी परवरिश करके उन्हें सौंपना है। मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, ना मैं जाने दूंगा। मैनी मोर हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। शुक्रिया। तुम्हारी सालगिरह के लिए मैंने क्या क्या रखा है पता है? यहाँ के हर मंदिर में एक खास पूजा रखी है। आज एक स्टेट का तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। लंच तुम आज मेरे साथ ही कर रहे हो, और आखिर में तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी सालगिरह पर दुआ लेंगे। आज शाम 6 to 9 आलिशान पार्टी रखी है। हर साल हम यही तो करते हैं ना, पर आज अपने मन मुताबिक सेलिब्रेट करूंगा। जो मुझसे प्यार करते हैं आज मैं उनके साथ रहने जा रहा हूँ। नहीं चाहिए ऐसी दिखावे की जिंदगी, अब तक जितना वक्त गवाया काफी है। मैं तुम्हें कुछ भी बदलने नहीं दूंगा। सॉरी अंकल, मैं बदल चुका हूँ। जानता हूँ तुम्हें किसने बदला है, जानता हूँ मैं। तुम्हारे पैसों के लिए आज तुम्हारे पीछे घूमने वाली है, अगर कल मैं उसे पैसे संभाल की बात करो। हम लोग आपकी तरह कोई नाजायज रिश्ता नहीं निभा रहे हैं, समझे? अमरावती मेरी लाइफ पार्टनर है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे अमरावती से मिलने जाना है। अंकल प्लीज, अंकल आप मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अंकल नहीं, नहीं अंकल, नहीं अंकल। Oh,
हम खेल रहे हैं ना, ये हो क्या कर रहे हैं? देखना आज के अखबार में अर्जुन जिस अमरावती को चाहता है उसकी फोटो छपी है। अरे ये खुशी की बात थोड़ी है, मैं मारूंगा तुझे अभी। अरे बाबा रे। प्यारी एंजेलिना, तुम्हारी जुदाई में बहुत तकलीफ की जिंदगी जी रहा हूँ। तुम्हारे चले जाने की वजह से मैं तड़प रहा हूँ। मुझ पर तरस खाकर अपना पता मुझे बता दो मेरी प्यारी बीवी, मेरे आंसुओं को पोंछ दो। तुम्हारा प्यारा पति। क्या हुआ, नाराज हो क्या? सारा देर हो गई। क्या हो गया तुम्हें, बात नहीं करोगे? मेरे माँ बाबा कहाँ गए हैं जानते हो? जानता हूँ। तुम कैसे जानते हो? हमारी शादी के बारे में ही बात करने के लिए ना, इसी वजह से मैं नाराज हूँ। क्यों? मेरे मामा नहीं मानेंगे। तुम्हारे मामा ने इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगे, मुझे छोड़ दोगे? अर्जुन, मुझे छोड़कर चले जाओगे तुम? बोलो ना। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन, अगर हम अपना दिल बड़ा करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। रिटायर होने के बाद एक बहुत अच्छा धंधा शुरू कर दिया है। चेन्नई से एक अनाथ लड़की को यहाँ ला करके अमीर लड़के से शादी करवा के उसे पैसे कमाते हो, शर्म नहीं आती है? अगर पेंशन कम पड़ रही है तो मुझसे ले लीजिए ना। मिस्टर राजगोपाल, बहुत हुआ। उस लड़की की और कितनी शादी करवाओगे? ये नोटिस किस पति ने दिया है? इस अखबार में जो तस्वीर छपी है वो तुम्ही हो ना? हाँ बाबा। तुम्हारी शादी पहले भी हो चुकी नहीं है? नहीं बाबा। प्यारा पति ऐसा लिखा है ना, इसके बारे में क्या कहोगी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अर्जुन, अमरावती ने तुझे धोखा दिया है। She is a cheater! अखबार में छपवा कर कोई झूठ बोलता है क्या? मैंने तभी उससे पूछा था, सच में तुम प्यार करती हो क्या? मुझे तभी उस पर शक हुआ था। छे! अर्जुन, उस भाषा को मैं नहीं समझा। अमरावती की तस्वीर जब अखबार में देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन मसला यह है मैं नहीं जानता था। नहीं! मैं तो खुद ही तुम दोनों की शादी करवाने की सोच रहा था, लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं है। ये बात उसके माँ बाप ने खुद कबूल किया, यही सच है। रिलैक्स, रिलैक्स। Thank you.
बाय। अर्जुन, अर्जुन, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ हो रही है ना? ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम बस खुश रहो, तुम्हारे साथ हम हैं ना। बाहर में कुछ लोग अखबार में जो छपा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझसे जवाब देते नहीं बन रहा। तुम्हारे बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला, अगर पता चला होता तो आपसे कह दिया होता। अखबार में झूठ छपेगा तो सब लोग उस पर यकीन कर लेंगे क्या? लोग झूठ पर ही यकीन करते हैं। अर्जुन ने भी मुझसे बात नहीं की, क्यों बाबा? इसी को दुनिया कहते हैं। इन बातों का क्या मतलब है बाबा? तुम ही तो उस लड़की के पीछे पड़ गए थे, अब देखो वो लड़की कितनी तकलीफ उठा रही है। एक लड़की से प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उसे समझना बहुत मुश्किल है। एक बार उससे ही सब कुछ पूछ के देख लो ना। अरे नहीं नहीं, उसकी शादी हो चुकी है कि ये बात मैं उससे पूछ नहीं सकता। अगर उसने हाँ कह दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उस बात को सच क्यों समझ रहे हो? हो सकता है उस तस्वीर का कुछ लेना देना ना हो, या फिर वो कोई और लड़की हो। उससे पूछोगे तभी पता चलेगा ना। अपने मामा की बात सुनकर ऐसे बैठे मत रहो। उन्होंने कहा कि उस लड़की को भूल जाओ, तो क्या भूल जाओगे तुम? पहले सच क्या है ये जाकर पूछो उससे। इतने दिनों से क्यों नहीं आए और अब क्यों आए हो? बोलो अर्जुन। अखबार में जो कुछ भी छपा है वो क्या है? तुम्हें भी उस पर यकीन है क्या? सच है या झूठ है ये बताओगी? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अखबार देखने के बावजूद यकीन किया? अरे मैं सच नहीं जानती हूँ अर्जुन। वो तुम्हारी ही तस्वीर है ना, या फिर ये भी नहीं जानती? पुराना जो नाम है वो अच्छा है, अच्छा बेवकूफ बनाया। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा। तुम खुद ऐसे सवाल करोगे तो फिर मैं क्या करूंगी अर्जुन? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? बिल्कुल भरोसा नहीं है ना? अमरावती, ए, अमरावती, रुक जाओ, रुको। एंजेलिन, कौन है ये? ये मुझे मारेगा, चलो। एंजेलिन, एंजेलिन, एंजेलिन रुक जाओ, एंजेलिन रुको, एंजेलिन प्लीज रुको, रुको। उसका पीछा क्यों करते हो? एंजेलिन है, वो सिर्फ सिर्फ मेरी है। निकलो यहाँ से। सुनो, समझने की कोशिश करो। चुप रहो, सुनो, निकलो। प्लीज, वो एंजेलिन है, वो मेरी है। वो एंजेलिन नहीं, मेरी अमरावती है। वो एंजेलिन है। नहीं, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी बात सुनिए आप। चुप रहो। वो मेरी एंजेलिन है। पहले ये जगह छोड़कर चले जाओ। प्लीज, जाओ यहाँ। अर्जुन, एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? और अमरावती आपको देखकर भागी क्यों? आई एम डॉक्टर चार्ले। मिलकर अच्छा लगा। आप ही है ना मिस्टर और मिसेस बालासुब्रमण्यम? हाँ। आपके घर में जो लड़की हुई एंजेलिन है, जिसका नाम आपने शायद अमरावती रखा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हेलो मिस्टर फ्रैंक, हाउ आर यू? हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हम क्यों कहते हैं पता है? ताकि हमारा सारा दिन खुशी से गुजरे। रिप्लाई की जरूरत नहीं है, बस एक छोटी सी स्माइल। ये गुड मॉर्निंग, हेलो, ये सब नहीं सिखाया क्या आपने मिस्टर फ्रैंक? फिर बेटर, हंसने में क्या तकलीफ है आखिर? मेरे लिए प्लीज एक छोटी सी स्माइल। आई एम सॉरी मिस्टर फ्रैंक, आप ठीक नहीं होंगे।
इस चेहरे को देखा है क्या? देखकर मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। इट्स नॉट अ जोक। आपकी लड़की ऐसी ही रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको हंसना होगा। लगता है मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाओ। एंजेलिन, सुनो एंजेलिन, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। एंजेलिन प्लीज मेरी बात सुनो। क्या हुआ? क्या बात है डॉक्टर? फ्रेंड से ज्यादा ऐसा लग रहा है आप इस पर ध्यान दे रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मरीज के साथ रहने वाला ठीक रहेगा तो मरीज बहुत जल्दी ठीक होता है। पहले इसके फादर को ठीक करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। एंजेलिन आखिर ऐसे क्यों रहती है? कौन है वो डैनी? उसके साथ कोई ठीक से बात क्यों नहीं करता? आई नो समथिंग इज फिशी। क्या आप जानते हो? मुझ पे भरोसा करते हो तो बताओ। फ्रैंक उस खानदान में पैदा नहीं हुआ, गोद लिया गया है। आज हिंदुस्तान में रहने वाले अमीर खानदान में से वो एक है। उस खानदान में जो पैदा हुआ उनका अपना बड़ा बेटा ठीक नहीं, वो एक रोगी है, आवारा है। इस वजह से उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी फ्रैंक के नाम कर दी। अब उस खानदान में जो भी फैसले होते हैं वो फ्रैंक ही करता है। वो बड़े लोग उनके खानदानी चिराग का लड़का जिंदा नहीं है, सिर्फ पोता ही बचा है, वो है डैनी। जायदाद को अपने नाम करवाने के लिए फ्रैंक को डैनी टॉर्चर करता रहता है। फ्रैंक ने बड़ों से जो वादा किया है उसे आज तक किसी से बताए बिना वो खुद इस तकलीफ को झेलता चला आ रहा है। उसी वजह से अंजलिन भी ऐसी ही है। तुम एंजेलिन से शादी कर लो, मुझे तुम पर यकीन है। सर मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। एंजेलिन भी मुझे पसंद करती है, ये जानना चाहता हूं। मुझे पसंद नहीं है। मैंने तुमसे नहीं पूछा। मेरी इजाजत के बगैर इस घर में कुछ नहीं होगा। देखो डैनी, तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम इन दोनों पर जुल्म करते हो, मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करूंगा। डॉक्टर चार्ली, शट अप। सर, इससे डरकर आप अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इससे तुम्हें क्या मतलब है? हमारी फैमिली मैटर में आप दखल मत दो, मैं पहले ही समझा चुका हूँ। गट आउट। तुमने सुन लिया ना, बाहर जाओ। मेरी जानकारी के बिना तुम इसकी शादी करवाओगे क्या? डैड, एंजेलिन से मैं खुद शादी कर लेता हूं। डैडी, डैडी, ये तुम्हारी बहन है। एंजेलिन तुम्हारी बहन है। कौन कौन बोला ऐसा? तुम मेरे फादर के असली भाई नहीं हो, तुम तो एक अनाथ हो। मेरे दादा ने तुम्हें गोद लिया तो क्या ये मेरे दादा की पोती बन जाएगी? इधर देखो, तुम्हारी बेटी से मेरी शादी होगी बहुत जल्दी। डैनी तुझसे जबरदस्ती शादी कर लेगा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का फैसला करता हूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? क्या हम दोनों मर जाए? डैड, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा,
तुम्हें छोड़कर मैं अकेले मर भी नहीं सकता। हम दोनों का एक साथ मर जाना ही बेहतर होगा। हम खुशी खुशी मर जाएंगे एंजेलिन। जीजस, इनकी आत्मा को शांति दो, इनकी आत्मा को अपनी पनाह में ले लो। जीजस ने हमें बताया है कि परलोक में अपने पापों का हिसाब होता है। परलोक में रहने वाले हमारे पिता, हमारी आत्मा को पवित्र कीजिए। परलोक में रहने वाले हमारे पिता, हमारी आत्मा को पवित्र कीजिए। आपके लोक में हम दाखिल हो रहे हैं, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। ईश्वर अपनी शरण में लीजिए, हम आपके सेवक हैं। एंजेलिन, हमारी आत्मा को पवित्र कीजिए। एंजेलिन के बचने का कोई फायदा नहीं हुआ, उसकी पुरानी याददाश्त खो चुकी है। लेकिन वो पागल नहीं हुई है, वो खुद को भूल चुकी है कि आखिर वो है कौन। ये एक तरह की बीमारी है। मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया था, इंजेक्शन देखकर डर जाती थी, दवा देता था तो फेंक देती थी। एक दिन मौका देखकर वो भाग गई। बस वो डैनी के हाथ में ना लगे, इस बात की मुझे लगातार फिक्र हो रही थी। आखिरकार चेन्नई में काम करने वाले आपके दामाद ने मुझे बताया, एंजेलिन यहां रहती है, इस बारे में आपकी बेटी गीता ने भी मुझे बताया था। एंजेलिन की शादी हुई या नहीं है जानने के लिए डैनी ने इसकी तस्वीर एक अखबार में छपवाई थी। मुझसे पहले वो यहां आना है इसलिए मैं आ गया। ऊपर वाले का शुक्र है कि आप जैसे नेक इंसान के यहां एंजेलिन रुकी हुई थी, ये सोचकर मैं बहुत खुश हूं। मुझे उसे फौरन चेन्नई लेकर जाना है एंजेलिन के ट्रीटमेंट के लिए, सॉरी अमरावती को लेकर जाना है। कहकर क्यों पुकार रही हो? और तुम अमरावती नहीं एंजेलिन हो। हमें और कोई औलाद नहीं चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। मुझे भेजिए, अगर आप मुझे भेजेंगी तो मैं कहीं और भाग जाऊंगी। अर्जुन, अर्जुन, मुझे उसके साथ मत भेजो। अर्जुन, मुझे मत भेजो उसके साथ, इनसे कहो ना मुझे ना भेजो। अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ।
अर्जुन हमारी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा, आप चिंता मत कीजिए दीदी। अर्जुन तुम्हारी माँ का फोन है, बात करनी है। नहीं, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। कुछ कहना है क्या? मेरी शादी के बारे में कहिए। लड़की का नाम है अमरावती, इसे कोई बदल नहीं सकता। हेलो, हाय अर्जुन, ये लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं क्या? अंदर बात करते हैं ना? नहीं, इधर ही बैठ के बात करेंगे। आपका अमरावती को ले जाना जरूरी है? नहीं, एंजेलिन को लेकर जाना है। किस लिए डॉक्टर? उसका ट्रीटमेंट शुरू करना है। यहाँ के सारे डॉक्टर मर चुके हैं क्या जो उसे यहाँ से लेके जाओगे? गौतम, अच्छी भली लड़की को जबरदस्ती ले जाना, ट्रीटमेंट देना क्यों बेकार की जिद करते हो? आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो क्या? डॉक्टर हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम बहुत ज्यादा बेवकूफी कर रहे हो। उसे लेके नहीं जाना है बोल रहे हैं ना, बात भी तो सुना करो जरा। मिस्टर इज्जत से बात करो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। तेरे लिए इतनी ही इज्जत है चश्मीश? नो मोर आर्गुमेंट्स हियर, गेट आउट। ए, ये तो इंग्लिश में बकवास कर रहा है। ए, मार इसे ना। हट, हाथ नहीं लगाना। सुनो, अरे क्या कर रहा है? कोई हाथ नहीं लगाएगा। रुक जाओ बेटा। आई एम सॉरी डॉक्टर, उठिए। इट्स ओके, इट्स ओके। देखो मैं अभी भी कहता हूँ तुम उसे नहीं ले जाओगे। वो मेरी ड्यूटी है, मुझे उसका इलाज करना है, क्योंकि वो पुरानी बातों को भूल चुकी है। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो ठीक हो गई तो मैं कौन हूँ ये उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे भूल जाएगी। क्या वो हमें भी भूल जाएगी डॉक्टर? हाँ डॉक्टर, आपने खुद बताया उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, अब सब भुला कर वो खुशी से जी रही है, तो फिर उसे क्यों ठीक करना है? एक बच्चे को जो कुछ सिखाना चाहिए वो मैंने उसे सिखाया है, तब इसका बचपना देख कर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब आपने उसकी पिछली जिंदगी के बारे में बताया तब हम समझे कि वो बड़ी ही मासूम है, बड़े ही प्यार से हमने उसे यहाँ पाला। इसीलिए डॉक्टर हम आपसे ये कहने आए थे कि आप यहाँ से चले जाइए, हमें उससे अलग मत कीजिए। आई एम सॉरी, मैं अपने पेशे के खिलाफ नहीं जा सकता। देखता हूँ कल तुम उसे कैसे ले जाते हो। उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। कौन है? कौन चाहिए आपको? गुड मॉर्निंग सर। फोन है क्या? हमारे पास दो फोन है ना सर, फिर एक और फोन किस लिए? क्यों टेंशन देते हो यार, किसी का फोन आया था क्या? नहीं आया सर। टेंशन। आई एम डॉक्टर चार्ले। पानी पीने से पहले बोलना चाहिए था ना, या फिर पी लेने के बाद बोल देते हैं? इन बिटवीन व्हाई कंफ्यूजन? सॉरी, आई एम डॉक्टर चार्ले, मुझे एक लड़की को चेन्नई लेकर जाना है। ये मुझसे गाड़ी मांग रहे हैं या ट्रेन का फेयर मांग रहे हैं? मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी। क्यों, कोई खतरनाक लड़की है क्या? उसे लेकर जाने के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि मैं उसे लेकर ना जाऊं बस। कौन 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 है वो गुंडे? कौन है वो गुंडे? क्यों नहीं ले जाने दे रहे हैं बता मुझे। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूं। आई नीड योर हेल्प। नो 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 प्रॉब्लम, एक रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। पानी फिर गिर गया।
चाहो तो तुम अंदर जाके अमरावती से बात करके आओ। नहीं यार, हम आए हैं उसे पता ना चले, डिस्टर्ब नहीं करना है। अर्जुन, कोई मुसीबत आ गई तो? ए, कोई मुसीबत नहीं आएगी। कोल डॉक्टर। अरे बाप रे, पुलिस। कहाँ जा रहा है? ओ माय गॉड, हेलो सर, हाउ आर यू? वेरी स्मार्ट। अब आप यहाँ इतनी दूर? इनके अंकल है ऊटी में, वेरी वेरी बिग शॉट। प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा था ना, यही लोग हैं? नो 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 नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं बात करता, आप भी एक छोटा सा प्रोटेक्शन मांग रहे थे, उसी लिए, दैट्स वाई। आप जाइए, कैरी ऑन डॉक्टर, ही इज अ नाइस पर्सन। जो किडनैप करके ले जाएंगे उसे सिक्योरिटी देंगे क्या? नो सर, नो। एक्सक्यूज मी, एंजेलिन को ले जाने आया हूं, उसे भेज दीजिए। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, कल रात से वो गायब है। नो, उसे आप लोगों ने मुझसे कहीं छुपा दिया है, मुझे आप पे यकीन नहीं है। इंस्पेक्टर, अगेन कॉलिंग, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एंजेलिन गायब है। कूल कूल कूल। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी अमरावती कल रात से गायब है, हम आपके पास आने वाले थे, आप खुद ही आ गए। एंजेलिन है क्या? वो नहीं है सर। तो फिर अमरावती? वो मेरी बेटी है। बड़े कंफ्यूजन, दो लड़की गायब है, आप किसे ढूंढ रहे हैं? दोनों लड़की एक ही हैं। एक है? यस। बहुत होशियारी झाड़ रहा है तो। हाँ, सुपर एक्शन शुरू। सर, इन सबको अरेस्ट कीजिए, मुझसे चीटिंग कर रहे हैं। अरे बाप रे, मैं नहीं। चुप रहे, ये क्या हो रहा है? वन सेकंड, अरेस्ट करना है? ये कोई मामूली बात थोड़ी है। कंप्लेंट, FIR, वारंट, नो, दिस इज इम्पॉसिबल। स्टेशन चलिए। अमरावती कहाँ है? अंदर है क्या? क्यों, तुम्हारे पास नहीं है क्या? अमरावती मेरे पास कहाँ है? वो रात में जब राजी अमरावती के लिए रो रही थी, तब उसे तुम लेकर गए हो ये कहकर मैंने इसे शांत किया, और अब तुम ही उसके बारे में पूछ रहे हो। इस वक्त अमरावती कहाँ है? नमस्ते सर, अंदर में जो है वो मेरी बेटी अमरावती नहीं है ना? एक लड़की छत से नीचे गिरी है, उसका चेहरा बिगड़ चुका है, लड़की गायब है, ऐसा उन्होंने कंप्लेंट की है। हमने आपको पहचानने के लिए बुलाया है, प्लीज। हेलो, अगर मेरी अमरावती को कुछ हो गया ना, तो डॉक्टर और तुझे सुकून से रहने नहीं दूंगा। प्लीज रिलैक्स योर सेल्फ, क्या वो अमरावती है? पहले उसे देखो, बाकी बातें बाद में, प्लीज कैरी ऑन। आप आइए सर। नेक्स्ट।
अर्जुन अर्जुन चलो चलो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं चलो, मैं नहीं आऊंगा। राजी अंदर जाकर देखने की मुझ पे हिम्मत नहीं। सुनिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, किसी को तो देखना ही पड़ेगा। नहीं अर्जुन, चलो यहाँ से, चलना, चलो। नहीं गौतम, नहीं प्लीज मत करो गौतम, हिम्मत रखिए, चलना, मैं जाके देखता हूँ। अर्जुन, वो अमरावती नहीं है, she is not अमरावती। इंस्पेक्टर, वो अमरावती नहीं है। आप लोग खुश है ना? हाँ बिल्कुल, कन्फ्यूजन दूर हो गया। चलिए चलिए, चल 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 चल। एंजेलिन के मुतालिक सब कुछ मुझसे बोला था, उसके बाद भी उसे ढूंढने जा रहे हो क्या? जो फिकर करते हैं वो कहीं भी ढूंढ लेते हैं, उन्हें मुश्किलें परेशान नहीं करती हैं। माँ बाप जो उसका पति बनकर आने वाला है, इससे ज्यादा लड़की को क्या चाहिए? एंजेलिन को इसी समय भूल जाओ। आप कौन है? राजा गोपाल से मिलना है। क्या बात है, कहिए। घर आए मेहमान को घर के अंदर बुलाकर बात करनी चाहिए। मेरी वो आदत नहीं है, क्योंकि उन्हें ढूंढने कोई नहीं आया, शायद इसीलिए। राजा गोपाल के फोन करने की वजह से मैं यहाँ आया हूँ। एक लड़की के मुतालिक मैंने इश्तिहार दिया था, वो लड़की उनके पास है, ऐसा उन्होंने कहा था। अरे उनके पास है? हाँ ऐसा ही कहा था। कौन है? मैं डैनी हूँ, आप राजा गोपाल हो ना? मैं मद्रास से आ रहा हूँ, हमारी फोन पर बात हुई थी उस लड़की के बारे में। तुम अंदर जाओ। आइए। अर्जुन, अमरावती को तुम्हारे मामा ने कहीं छुपा कर रखा है। क्या है? हे, हे! अमरावती को कहाँ छुपा कर रखा है? अर्जुन बोलो, आप हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। अर्जुन नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूँ इसलिए ऐसा किया है ना? बोलो। ये सब तुम्हारे लिए किया है? मेरे लिए किया है, मैं खुश रहूँ इसलिए ऐसा किया है ना? हाँ, जल्दबाजी मत करो। अब अगर मैं मर गया तो क्या करोगे? अर्जुन जीऊँगा तो उसके साथ ही, नहीं तो। मेरी बात तो सुनो, मुझे अमरावती चाहिए। पहले उसे हटाओ। अमरावती चाहिए। अभी वो अपने लॉन्डर स्टेट में है, मैंने ही छुपा के रखा है, उसके एक रिश्तेदार को खबर कर दी है, अभी वो उधर ही गया है।
अर्जुन, 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 हेलो इंस्पेक्टर एंजेलिन प्लीज प्लीज पीछा करिए रिलैक्स जल्दी जल्दी इंस्पेक्टर लड़की तुझे ही देख रही है हरी साड़ी वाली अरे सुनिए ये गौतम है वीडियो शॉप ओनर ये तुम्हें ही देख रहा है क्यों तेरी भलाई के लिए कर रहा था ए, वो देख अर्जुन 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 क्या हुआ उधर देखो वो हमारा पीछा कर रहा है रुको उन्हें ए संभाल के अर्जुन कम ऑन आजा आओ क्विक अर्जुन जल्दी कर जल्दी जल्दी आजा आजा जल्दी जल्दी कर आजा 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 शाबाश आजा 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 अरे हाथ जल्दी आओ खींच 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 आजा खींच पकड़ 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 अमरावती आजा आजा बतन जल्दी कर खींच खींच गौतम आजा जल्दी आओ ए पकड़ उसे जल्दी आओ गौतम जल्दी आओ
गुड मॉर्निंग सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या है ये सब? ये कोई ह्यूमन चेन है क्या? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हेलो हेलो, सब लोग ध्यान से सुन लो, किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। केस ओवर। इंस्पेक्टर बुलाए क्या? मुझे वो लड़की जिंदा चाहिए, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट ऊपर तक जाएगी। अगर अंदर गए तो वो खुद को खत्म कर देंगे, ऐसा डरा रहे हैं। वो धमकाएंगे तो तुम डर जाओगे क्या? दरवाजा तोड़ो। यहाँ सभी लोग उम्मीद लेकर आते हैं, कोई भी मरने की उम्मीद से नहीं आता है। ये हमें जीने नहीं दे रहे हैं फादर। तुम लोग मरने के बारे में मत सोचो, तुम्हें क्या चाहिए? ये चाहिए। जीसस, तो फिर शादी कर लो। तो फिर आप ही करा दीजिए ना फादर। नहीं सर। हा? अगर दरवाजा टूटा और उन्हें कुछ हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। खोलने के लिए बोले या तोड़ने के लिए बोल रहे हैं? इस तरह तोड़ तोड़ कर ही पूरी दुनिया बिगड़ चुकी है। ग्रेट इंसल्ट। तुम क्रिश्चियन हो क्या? नहीं, हम इंसान हैं। मैं तुम लोगों की शादी नहीं करवा सकता, चर्च की पाबंदी इसकी इजाजत नहीं देती। क्यों फादर, पुलिस स्टेशन में शादी करा सकते हैं, ये तो चर्च है ना। अगर उन्हें सेफ्टी से बाहर लेकर आना है तो मेरे पास एक तरीका है। What? अभी वो लोग जिसे माँ बाप की तरह मानते हैं, अगर वो लोग आकर बुलाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे। अगर तुम सच्चे दिल से प्यार करते हो तो बाहर जाके भी इसका फैसला कर सकते हो। उसके लिए भी ये मेरी बीवी बननी चाहिए, तभी हम बाहर जा सकते हैं। अमरावती का भी परिवार है, इस बात को आप समझ जाएंगे। मैं सोच रहा था बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप भी समझ गए ना। मैं उनके पेरेंट्स के आने का इंतजार करता हूं। बट वन थिंग, एंजेलिन को भूलना होगा। अगर हम ऐसे ही बाहर गए तो वो लोग हमें अलग कर देंगे फादर। आप हमारी शादी करवा सकते हैं या नहीं, वरना अपना फैसला हम खुद कर लेते हैं। नो नो, ऐसे क्यों दौड़ कर आ रहे हो? मेरा फोन सर। पता है पता है, इसे लेकर आने के लिए इतने लोग बिगर काम कर रहे हैं। पता नहीं सर। ये हुई ना बात। इंस्पेक्टर, अमरावति को क्या हुआ, कहाँ है वो? उसे कुछ नहीं हुआ है, आप डरिए मत, वो अंदर है, सही सलामत है। तो अमरावती को बुलाइए बुलाइए। आप बुलाइए प्लीज। सर नहीं सर, प्लीज मत बुलाइए। नहीं आंटी, प्लीज मत बुलाइए। नो नो नो, प्लीज बुलाइए बुलाइए बुलाइए। नहीं, वो बाहर आएगी तो उसे आप लोग हमसे अलग कर देंगे। अगर अंदर रहेगी तो उसे बहुत खतरा है वहाँ पे। नहीं सॉरी, मुझसे नहीं होगा। आप भी, आप नहीं बुलाएंगे उसे? नहीं बुलाएंगे। सर प्लीज आप भी मत बुलाइए। बाहर आएगी तो हमें छोड़ के चली जाएगी। तुम लोगों को छोड़ के चली जाएगी तो उसके लिए वो मर जाएगी। बेकार, सेल्फिश, वो मर जाएंगे चलेगा क्या? अमरावती। नहीं नहीं, प्लीज मत बुलाइए। अर्जुन मत आना। अमरावती मत आना, मत आना। अमरावती, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चली गई थी बेटी? अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मां, कभी भी नहीं। ये मैंने पहनाया है, मैंने और अमरावती ने शादी कर ली है।
चेन पहनाने से शादी हो जाती है क्या? फादर, आपके सामने ही हमारी शादी हुई है ना, बोलिए फादर। हम ये कैसे मान लें? इसकी याददाश्त खो चुकी है। She is amnesian. किसने बोला? She is normal. वो लड़की ठीक हो गई है। She is perfectly all right. चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट भी दे सकता हूँ। जायदाद हासिल करने के लिए उसे ढूंढ रहे हो ना? वो उस जायदाद पर कभी हक नहीं जताएगी। आज से बस वो मेरी बीवी है। आपकी एंजेलिन मर चुकी है। मुझे और मेरी अमरावती को जीने दो, प्लीज। अब